लाखों साल पहले बहुत से डायनासोर की प्रजाति ने इस धरती पर राज किया, जिसमें से मांसाहारी शिकारी जैसे टीरेक्स, स्पाइनोसोरस, वीरेक्स जैसे जीवों की तो बात सभी करते हैं, और करें भी क्यों ना। इस जैसा शिकारी पृथ्वी में आज तक दोबारा जन्म नहीं लिया, पर इस धरती में लाखों साल पहले कुछ ऐसे शाकाहारी जीवों ने भी जन्म लिया जिसका शिकार करने में मांसाहारी डायनासोर के पसीने छूट जाते थे या अपने जान तक गवा बैठते थे। उन्हीं में सबसे शक्तिशाली शाकाहारी जीवों में से एक था ट्राइसेराटॉप्स, जिसे इसके तीन मजबूत सींग के कारण इसका नाम दिया गया। ट्राइसेराटॉप्स के अवशेषों को पहली बार 1888 को यूएसए में खोजा गया, जिसके अवशेषों को देख वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि प्री हिस्ट्रिक पीरियड के सभी जीवों में से इस जीव की हड्डियाँ काफी मजबूत थी, और कार्बन डेटिंग से यह पता चला ये जीव 6.5 करोड़ साल पुराने जीव थे। उन अवशेषों को देख वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया यह जीव करीब 3 मीटर ऊंची, 9 मीटर लंबी और करीब 12 टन के वजन तक पाए जाते थे, जो कि आकार में भले ही टीरेक्स की आधी हो पर वजन में लगभग टीरेक्स के बराबर के थे। इन जीवों में कैनाइन दांत ना पाए जाने के कारण वैज्ञानिकों ने इन बातों की पुष्टि की कि ट्राइसेराटॉप शाकाहारी प्राणी थे जो झाड़ियों को खाकर जीवित रहा करते थे। ट्राइसेराटॉप की शारीरिक संरचना इस प्रकार बनी थी जो इसे शिकारी जीवों से बचाने में इसकी काफी मदद करती थी। नेचर ने इसके बचाव के लिए सबसे मजबूत और नुकीले सींग दिए थे जो शिकारी जीवों के लिए मौत भी बन सकती थी। साथ ही इसका मांस इतना मजबूत था जिसे चीर पाना किसी भी डायनासोर के लिए बड़ा मुश्किल था, और इसके गर्दन के बचाव के लिए इसके सिर के ऊपर से निकले एक मजबूत ढाल जो इसके गर्दन को अन्य जीवों से बचाने में काम करती थी। वैसे तो ये जीव शांत माने जाते थे, पर अपने बचाव के लिए कभी कभी ये अपने से 2 गुने बड़े जीवों के लिए भी मौत बन जाते थे, इसलिए सभी शिकारी जीव इसका शिकार करना पसंद नहीं करते थे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ट्राइसेराटॉप्स के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें।